हजरात, मैं जो आज ये चराग मौजूद हैं हिंदी और उर्दू के, ये चरागों की खसूसियत ये है कि मैं तकदीम और ताखीर, इनकी सीनियरिटी और जूनियरिटी, इनके बड़े और छोटेपन, उम्र के लिहाज से उसका ख्याल किए बगैर जिसको जहां बुला दूं, ये मुशायरा और कवि सम्मेलन चमक उठेगा। लेकिन एक कम उम्र से आए, बहुत कम अरसे में हिंदुस्तान के मुशायरों में अपनी पहचान बना लेने वाला शायर नदीम साद यहाँ मौजूद है। नदीम साद यहाँ तशरीफ लाएंगे, हमें और आपको साथ करेंगे, उनकी आवाज यहाँ उजाला बन के बिखरेगी और उनकी शायरी हमारे दिलों पर दस्तक देगी। इस यकीन के साथ मैं उनसे अर्ज करता हूँ कि अपने कूचे से उठाकर कोई पत्थर दे दे, ला मेरे दोस्त मुझे मेरा मुकद्दर दे। मेरा मुकद्दर इस मुशायरे की पहली फसल, लेकिन दो चार तालियों की नहीं, पूरे हॉल की तालियां फूटी और नदीम साद का इस मुशायरे की अजमत और हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर के मुशायरों की अजमत मेरे अदबी तहजीबी और रूहानी रहबर मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी तशरीफ लाए, इस्तकबाल कीजिए ताकि लगे कि हम गजल की आबरू का इस्तकबाल कर रहे हैं। हाजरी में सबसे पहले सदर साहब से इजाजत चाहता हूँ। मुशायरे का आगाज है, मैं चाहता हूँ कि एक मतला एक शेर नात का पहले पढ़ूं, उसके बाद अगर गजल की चर्चा। गजल का एक नात का एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ। मुलाजा कीजिए दोस्तों मतला। ना तेरा चेहरा निखार दूं, शायरी मैं तेरा मुकद्दर सवार शेर हाजिर कर। जिस ख्वाब में हूं आपकी आमद मेरे नबी, जिस ख्वाब बहुत शुक्रिया हाजरी।